गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी द स्टूडेंट एडवाइजर बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास सिक्स. ठीक है, तो अपन ने प्रीवियस वीडियो में कितने क्वेश्चन कर लिए थे? वी डिड टू थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए थे. तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.3 का फोर्थ क्वेश्चन अपन आज स्टार्ट करेंगे. तो फोर्थ क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है? थिंक ऑफ राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000, which could be rounded off to 38,000. तो अपन को सोचना है, think of rounding off. अपन को rounding off करने के बारे में सोचना है. Nearest 1000 के near, 1000 के near, अपन को ऐसे नंबरों के बारे में सोचना है which could be rounded off to 38,000. जो rounded off हो सकते हैं 38,000 के, मतलब अपन को 1000 के near ऐसे नंबर राउंड ऑफ करने हैं जिनका राउंड ऑफ 38,000 अपने पास आ जाए. तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, अपन सोचेंगे ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं. तो ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 अपन स्टार्ट कर रहे हैं. तो अपन को किसके आस पास राउंड ऑफ करना है? 1000 के नियर, 1000 के नियर अपन को राउंड ऑफ करना है. और ऐसे नंबर राउंड ऑफ करने हैं कि उनका आंसर, उनका जो रिजल्ट आए निकल के, वो 38,000 आ जाए. तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? पहली बात तो अपन ऐसे नंबरों के बारे में सोचे जो 38,000 के आसपास हैं. तो कौन से हो सकते हैं? पहली बात तो 38,000 खुद ही एक ऐसा नंबर होगा जिसका राउंड ऑफ 38,000 होगा. फिर 38,000 से थोड़ा आसपास चलें अपन, तो अपन को 1000 के आसपास राउंड ऑफ करना है. तो ये 38,499 तक सारे नंबर राउंड ऑफ हो जाएंगे 38,000 के पास. 38,001, 38,002, 38,003 सीरीज चलती जा रही है. 38,499 तक जो सारे नंबर आएंगे इस सीरीज में, उनको अपन 1000 के नियर अगर राउंड ऑफ करेंगे तो दे विल बिकम 38,000. अब अपन आगे क्यों नहीं जा रहे हैं? अपन ठीक है, ये तो अपन ने नंबर ले लिए. अब अपन 38,500 क्यों नहीं लिख रहे हैं इस सीरीज में? क्यों? क्योंकि ये 5 आ गया है यहाँ पर. 500 आते क्या होगा? ये 39,000 के पास चला जाएगा. ये 39,000 बन जाएगा. 38,501 क्यों नहीं अपन लिख रहे हैं? क्योंकि ये 39,000 बन जाएगा. मतलब ये इससे आगे के जो नंबर होंगे वो 39,000 वाली सीरीज में चले जाएंगे. 38,000 बनाना है अपन को, तो क्वेश्चन में दे रखा है. तो अपन खाली 38,499 तक ही कंसिडर करेंगे. अब ये तो हो गई 5 डिजिट नंबर्स की बात. ठीक है, तो ये हो गई 5 डिजिट नंबर्स की बात. तो अपन को पता लग गया है कि 38,000 से 38,499 तक वाले जो नंबर होंगे उनका राउंड ऑफ 38,000 निकल के आएगा. अब जैसे इसके आगे वाले 39,000 बन रहे हैं, वैसे ही 37,000 के जो बाद की सीरीज बनेगी वो भी 38,000 के अंडर में आएगी. ठीक है, तो अपन 37,000 की बात करें, तो 37,000 में 37,000 जो 500 तक आएगा वो तो चला जाएगा 37,000 में. जैसे ये इसमें 38,000 में गया है 499 तक, लेकिन 37,500 से 37,999 तक जो नंबर आएंगे उनको अगर अपन 1000 तक राउंड ऑफ करेंगे तो दे विल बिकम 38,000. तो अब अगर अपन इसका आंसर लिखें, इसका आंसर लिखेंगे अगर अपन, तो इसका आंसर होगा कि व्हेन वी विल राउंड ऑफ 38,000 टू 38,499 एंड 37,500 टू 37,999 तो दे विल बिकम 38,000 नियरिंग राउंड ऑफ 1000. ठीक है, तो अपन इसको मिक्स करके भी लिख सकते हैं. अब अपन ने लिख दिया 37,999, इसकी अगली संख्या तो 38,000 ही होती है. तो अपन है ना इतना लंबा नहीं लिख के इसको क्या लिख सकते हैं, 37,500 टू 38,499. ठीक है, ये आंसर होगा इसका. इस क्वेश्चन के आंसर में अपन को यही लिखना है. ठीक है, 37,500 टू 38,499. आप चाहो तो पहले अलग अलग लिख सकते हो, फिर कंबाइन करके ये लिख सकते हो, या आप चाहो तो सीधा कंबाइन करके भी लिख सकते हो. इसका आंसर यही होगा. सबको फोर्थ क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार वापस देख लेते हैं. तो क्वेश्चन अपन को कह रहा था कि थिंक ऑफ राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000 विच कुड बी राउंडेड ऑफ टू 38,000.
कुल मिला के अपन को ऐसे नंबर्स की बात करनी थी, ऐसे नंबर्स इस बुक वाले को बताने थे कि अपन उनका राउंड ऑफ 1000 के नियर करें और 38,000 आ जाए अपने पास। तो अपन ने इसके बारे में सोचा, तो अपन को पहले तो कौन से नंबर मिले, पहले तो अपन ने 38,000 का ही बोला कि 38,000 है, पहले तो यही होगा नियर ऑफ में, ठीक है। अब अपन आगे जाएं तो 38,499 तक जो नंबर्स होंगे वो तो 38,000 पे मतलब नियर ऑफ होंगे, पर आगे वाले तो 39,000 पे चले जाएंगे तो उनको अपन कंसिडर नहीं करेंगे। अब पीछे की बात करें 38,000 से, तो 37,500 से 38,000 वाले नंबर्स है वो सारे भी इसी सीरीज में आएंगे। तो अपन ने कुल मिला के क्या कंक्लूजन निकाला, अपन ने वी कंक्लूडेड दैट 37,500 टू 38,499 इज द सीरीज विच वी आर गेटिंग फ्रॉम विच वी आर गेटिंग दैट वी राउंड ऑफ द सीरीज नियर 100 वी विल गेट 38,000 एंड द क्वेश्चन इज सॉर्टेड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या दिख रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन नंबर्स यूजिंग प्रॉपर ब्रैकेट्स, मतलब अपन को इन नंबर्स को इन जो ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कितने स्टेटमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टेटमेंट दिख रहे हैं, नंबर भी दिखने लगे हुए हैं, तो 7 स्टेटमेंट जो अपन को दिख रहे हैं इनको अपन को नंबर्स में मतलब करना है कन्वर्ट, और प्रॉपर ब्रैकेट्स लगाने हैं, नंबर्स में कन्वर्ट करना है और इनका आंसर निकालना है एज ए इंटीजर, ठीक है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही देखेंगे, फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब अपनी बुक में देख सकते हैं, मैं भी दिखा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 218 एंड 5643 इज डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ 239 एंड 119। तो अपन को निकालना क्या है, पहले तो सम करना है, पहले तो एडिशन करना है, समेशन करना है, सम करना है, कुछ भी बोल दो, इन क्या किसका करना है, 218 का करना है और 5643 का करना है, इन दोनों का सम करना है, ठीक है। फिर इसको छोड़ दो, फिर क्या लिखा है, डिफरेंस ऑफ 239 एंड 119, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है अपन को, किन दोनों का, इसका और इसका जो डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है, और जो ये आया है इसका, इसको डिवाइड करना है, ये जो नीचे आया है इससे, तो अब करेंगे अपन इसे, ठीक है। तो सब अपनी अपनी बुक में अब देखेंगे अपन, तो लिखा हुआ है द सम ऑफ 218 और 5643। अब अपन को इसमें मतलब ये सिखाना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन वाला ब्रैकेट लगाना। तो पहले लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन दिखाऊं आपको वापस, इसमें लिखा हुआ है यूजिंग प्रॉपर ब्रैकेट्स, तो ये क्वेश्चन कुल मिला के ब्रैकेट्स का ही है, अपन को सबसे पहले ब्रैकेट्स का ही इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। तो अपन देखे पहले तो डिजिट तो लिखें क्या लिखी हुई है, तो द सम ऑफ 218, अब लिखना तो सबको आता ही होगा 218 कैसे लिखते हैं, 218 है ये, और 5643 इनका करना क्या है, सम करना है, क्योंकि लिखा हुआ है दी सम ऑफ 218 एंड 5643, सम के लिए क्या करेंगे, प्लस का साइन लगा दिया। अब ठीक है, अब अपन को पता है कि आगे भी कुछ आएगा, तो पहले अपन इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, तो इसको अपन ने स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर दिया, स्मॉल ब्रैकेट में इसको अपन ने बंद कर दिया। अब अपन को क्या लिखा हुआ है, इस डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई, तो अपन क्या लिखाएंगे, डिवीजन का चिन्ह लगा दिया अपन, साइन लगा दिया। अब डिवाइडेड बाई द डिफरेंस ऑफ 239, तो 239 और 119 इनका क्या है, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। अब ऐसा इसके ब्रैकेट लगा देंगे, यहां ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि मिक्स नहीं हो, अब क्योंकि डिवाइड का भी यहाँ पे साइन है, प्लस का भी साइन है, माइनस का भी साइन है, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये सब क्या होंगे, सब मिक्स हो जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए बुक वाले ने अपन को ब्रैकेट लगाना सिखा रहा है बुक वाला, तो अपन ब्रैकेट लगाना सीखेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, और इसमें मैंने ढंग से पढ़ा नहीं पहले, इसमें सॉल्व करने का अपने पास नहीं लिखा हुआ है, अपन को खाली एक्सप्रेस करना है इन द टर्म्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन नंबर्स यूजिंग प्रॉपर ब्रैकेट्स, मतलब अब अपनी एक दुविधा तो सॉल्व हो गई है कि अपन को कम से कम इसको सॉल्व तो नहीं करना है, नहीं तो अभी अपन को इसको सॉल्व भी करना पड़ता, पर अपन को इसको सॉल्व नहीं करना है, अपन को इसको ऐसे ही लिखना है। सबको समझ में आ गया, पहले तो अपन ने क्या किया, 218 और 5643 का सम किया, फिर उसको डिवाइड किया
239 और 119 के डिफरेंस के साथ। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अन्नू बॉट 3 नोटबुक्स एट द रेट ऑफ ₹24 ईच एंड 5 जेल पेन्स एट द रेट ऑफ ₹15 ईच। व्हाट अमाउंट डिड शॉपकीपर रिटर्न हर। तो अपन को वो अमाउंट निकालना है जो शॉपकीपर ने उसको वापस दिया। तो अन्नू बॉट 3 नोटबुक्स एट द रेट ऑफ ₹24, मतलब अन्नू ने 3 नोटबुक्स खरीदी, प्रत्येक कितने रुपए की थी, 24, ठीक है, 24 रुपए की। मतलब अन्नू ने 3 नोटबुक्स खरीदी, वो तीनों कितने रुपए की थी, 24। तो अपन को जो टोटल प्राइस कैसे निकालेंगे, अपन 24 × 3 करके। अब एंड 5 जेल पेन एट द रेट ऑफ ₹15 ईच। अब उसने 5 जेल पेन भी खरीदे और उन 5 जेल पेन का क्या था, ₹15 था। तो अब अपन देखेंगे व्हाट अमाउंट द शॉपकीपर रिटर्न हर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे गलत छपा हुआ लग रहा है मुझे। हाँ मैं सही कह रही हूँ, ये क्वेश्चन गलत छपा हुआ है, यहाँ पे ये नहीं लिखा होना चाहिए व्हाट अमाउंट द शॉपकीपर रिटर्न हर, मतलब शॉपकीपर रिटर्न नहीं, उसने कितना अमाउंट दिया शॉपकीपर को, ये निकालना है अपन को, ठीक है। ठीक है, सब बच्चे इस बात को समझेंगे कि यहाँ पे आना चाहिए था व्हाट अमाउंट डिड शी गेव टू द शॉपकीपर, ठीक है, ये निकालना है अपन को यहाँ पे। तो अपन क्वेश्चन को वापस गौर से देखेंगे। अन्नू बॉट 3 नोटबुक्स एट रेट ऑफ ₹24। तो क्या होगा इसमें, 24 को 3 से इंटू कर देंगे, ये 3 क्या है, नंबर ऑफ नोटबुक्स है, ये 24 क्या है, रुपीज है, जो उस अन्नू ने मतलब हर 3 नोटबुक्स के लिए पे किए हैं वो रुपीज है। तो अब इनको अपन को पता है, इनको इनके लिए ब्रैकेट लगा देंगे अपन एक। अब प्लस, क्योंकि अब उसने जेल पेन भी खरीदे हैं, उसने खाली नोटबुक्स ही नहीं खरीदी, उसने उन नोटबुक्स के साथ जेल पेन भी खरीदे हैं। कितने जेल पेन खरीदे हैं, 5 जेल पेन, 5 जेल पेन उसने खरीदे हैं, 5 जेल पेन उसने खरीदे हैं, और उनमें से ईच की जो प्राइस है वो क्या है, ₹15 है। इसके भी अपन लगा देंगे ब्रैकेट, ठीक है, यही आंसर होगा। तो इतने, ये जो इतने रुपीज है ये अन्नू देगी शॉपकीपर को। अपन वापस समझ लेते हैं एक बार कि 3 जो नोटबुक्स है ईच ऑफ 24 रुपीज अन्नू ने खरीदी, प्लस 5 जेल पेन ईच ऑफ ₹15 अन्नू ने खरीदे। तो इसको अपन ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, इस स्टेटमेंट को अपन मतलब इंटीजर के रूप में या फिर मैथमेटिकल रूप में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब अपने पास आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है, पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये रही आपकी बुक 6th क्लास की स्टूडेंट एडवाइजर। इन द अबव एग्जाम्पल शी पेड द बिल गिविंग ए नोट ऑफ 2000, ठीक है। तो इन द अबव एग्जाम्पल शी पेड द बिल गिविंग ए नोट ऑफ 200। तो उसने क्या किया कि ये मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन से अटैच्ड है, अलग नहीं है, अबव एग्जाम्पल से अटैच्ड है क्वेश्चन, कि उसने क्या किया, एक 200 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट जो था शॉपकीपर को दिया। अब ये जो क्वेश्चन था व्हाट अमाउंट द शॉपकीपर रिटर्न हर, ये इसमें आएगा। तो अब ये क्वेश्चन, ये थर्ड वाला क्वेश्चन अपन को पूछ रहा है कि शॉपकीपर ने उसको कितना अमाउंट वापस दिया, ठीक है। तो शॉपकीपर ने कितना दिया, अब जितना उसने दिया इतना अमाउंट उसको देना चाहिए था, मतलब दिया नहीं, उसको देना चाहिए था, इतना उसका बन रहा था देने का, इतना उसको देना चाहिए था, पर उसने दिया क्या, 200 रुपए। तो शॉपकीपर कितना लौटाएगा, 200 में से माइनस कर देंगे अपन इसको, इस टाइम को जो अपन ने ऊपर निकाली थी उसको अपन 200 में से 200 में से उसका सब्ट्रैक्शन कर देंगे, और ये जो है इस पे अपन बिग ब्रैकेट लगा देंगे, या मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं अपन को, मिडिल ब्रैकेट इस पे लगा देंगे। अब अपन को दोनों क्वेश्चन वापस समझा देती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप की थी। तो इसमें जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें अपन को क्या निकालना है, उसमें अपन को निकालना है कि ये जो शॉपकीपर है ना, इसको अन्नू ने कितने रुपए देने चाहिए थे, अन्नू को कितने रुपए शॉपकीपर को देने चाहिए थे, जो उसने सामान खरीदा उसकी कितनी प्राइस थी, मतलब अन्नू ने जो सामान खरीदा शॉपकीपर से उसकी कितनी प्राइस थी, ये अपन को सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है। और थर्ड क्वेश्चन में अपन को ये पूछा गया है कि अन्नू को दुकानदार ने कितने रुपए वापस दिए जब उसने 200 रुपए का नोट दुकानदार को पकड़ाया। तो 200 में से माइनस हो जाएगी ऊपर वाली टर्म, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th। तो क्वेश्चन नंबर 4th पढ़ लेते हैं अपन। सम ऑफ 4613 एंड 695 इज मल्टीप्लाइड बाई 247।
ठीक है, तो करते हैं। अब क्या करना है कि पहले तो 4613 का सम करना है किसके साथ, 695 के साथ, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है अपन को 247 से। पहले अपन क्या लिख देंगे, 4613 लिख देंगे, फिर 695 लिख देंगे, सॉरी दिखा नहीं है आपको, अब दिख रहा है, 4613 लिख दिया, 695 लिख दिया, बीच में प्लस का साइन लगा दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया, और फिर 247 से इंटू कर दिया। यही तो पूछा था अपन को, क्या पूछा था अपन को, कि सम ऑफ 4613, सम ऑफ 4613 विथ 695, ब्रैकेट लगा दिया, एंड मल्टीप्लाइड बाई 247। ठीक है, हो गया, ये बहुत इजी था, ये तो बच्चे ही कर देते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन अपन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है, डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 443 एंड 333 बाई 11। अरे ये तो भी बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो बच्चे ही कर देंगे, पर करा देते हैं। अब क्या पूछा है इसमें, डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 443 एंड 343। ठीक है, तो पहले तो अपन को लिखना पड़ेगा 443, 333, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको डिवाइड करना है किससे, 11 से। कर दिया, ऐसे लिख देंगे इसको, ब्रैकेट इधर लगाएंगे। मैं आपको एक बार लास्ट में ब्रैकेट लगाना वापस बता दूंगी कि मैंने ब्रैकेट कहाँ कहाँ लगाए हैं और क्यों लगाए हैं। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन समझ लो कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, कि जो 443 और 333 का जो डिफरेंस है उसको अपन को डिवाइड करना है 11 से, तो कर दिया। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है अपन को, कह रहा नहीं मतलब अपन को पढ़ना है, कहेगा तो है नहीं है। योर मदर बॉट 5 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ ₹19 पर केजी एंड 2 kg ऑफ गुड़, ये गुड़ है, एट द रेट ऑफ ₹36 पर केजी फ्रॉम ए शॉप, फाइंड द अमाउंट शी पेड टू द शॉपकीपर। अब पूछा क्या है कि योर मदर, आपकी मम्मी, ठीक है, आपकी मम्मी ने क्या किया, आपकी मम्मी खरीद के लाई, बॉट यानी खरीद के लाई 5 kg ऑफ राइस, 5 किलो तो चावल लाई, चावल खाते हैं अपन सब घर में, सबको पता है चावल क्या होते हैं, एट द रेट ऑफ ₹19 पर केजी, ₹19 पर केजी के भाव से, के प्राइस से, वो क्या किया, 5 kg तो चावल लेके आई, और गुड़, गुड़ भी खाते हैं सब, सबको पता है गुड़ क्या होता है, तो 2 किलो गुड़ लेके आई, ₹36 पर केजी, मतलब ₹36 पर केजी के वो प्राइस से गुड़ लेके आई, तो उसने उन्होंने शॉपकीपर को कितने रुपए दिए। ठीक है, पकड़ लेंगे अपन, ये तो बच्चों का नहीं है, ये तो थोड़ा हार्ड है। योर मदर बॉट 5 kg ऑफ राइस, मतलब पहले तो 5 ही लिख देते हैं, 5 तो आएगा ही, 5 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ ₹19 पर केजी, तो इसको 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो राइस है 5 किलो राइस है, इसको 19, ये इसका प्राइस है, तो इनसे इससे इंटू कर दिया, अब अपन को लगा देंगे ब्रैकेट, प्लस गुड़ का लिखेंगे, अब 2 kg गुड़ था, 2 kg गुड़ एट द रेट ऑफ ₹36, तो 36 से लाई, तो बस ये प्राइस हो गया। मतलब जो नंबर होता है कि कितना ला रहे हैं, कितने मतलब कितने किलो ला रहे हैं, या फिर अपन ने पहले वो अन्नू वाला क्वेश्चन किया था, वो पेन ला रही है तो नंबर ऑफ पेन्स लिखे थे वहां पर, ठीक है, और उसका जो प्राइस था उसमें ₹24 ही था, इसमें ₹19 पर किलो है, तो उसे इंटू कर दिया, और जो दूसरी चीज है उसको प्लस कर दिया। ठीक है, लास्ट फाइनल क्वेश्चन अब आ रहा है अपना, फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन, डिस्टेंस कवर्ड बाई राम इफ यू वेंट ऑन फुट एट ए स्पीड ऑफ 3 km/h एंड सम डिस्टेंस बाई राइडिंग बाईसाइकिल एट ए स्पीड ऑफ 12 km/h, ही वॉक 2 hours एंड राइड बाइसिकल फॉर 4 hours। इसको अपन को लिखना है एज ए नंबर्स, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई राम, अपन को पूछी क्या है, लिखनी क्या है अपन को एज ए मैथमेटिकल, तो वो है अपने पास डिस्टेंस कवर्ड बाई राम, मतलब राम ने कितनी डिस्टेंस तय की। अब ही वेंट ऑन फुट, अब वो पैदल गया कितनी, 3 km/h, मतलब उस स्पीड, स्पीड कहते हैं अपन की कितनी स्पीड से जा रहा है, तो 3 km/h की स्पीड से राम पैदल गया, एंड सम डिस्टेंस बाय राइडिंग बाइसिकल,
फिर उसको लगा कि नहीं यार पैदल नहीं चलेंगे, बाईसाइकिल पे चलेंगे, तो बाईसाइकिल पे एट स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। अब बाईसाइकिल की तो ज्यादा ही होगी, पैदल तो धीरे ही चलेगा इंसान, तो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो बाईसाइकिल पर चला। तो ही वॉक 2 आवर्स, मतलब वो चला कितनी देर, मतलब कितनी देर, 2 घंटे तो वो पैदल चला, एंड राइड बाईसाइकिल फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे वो बाईसाइकिल पर चला, तो कितने हो गए, 6 घंटे हो गए उसके, मतलब 6 घंटे का सफर किया उसने। तो क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया ना कि राम के द्वारा तय की गई डिस्टेंस, मतलब कितनी दूर गया राम, ये अपन को निकालना है, ये अपन को लिखना है। और वो पैदल गया 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, साइकिल उसने राइड की 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो 2 घंटे पैदल चला और 4 घंटे वो बाईसाइकिल पर चला। अब तो अपन को डिस्टेंस निकालनी है जो राम ने तय की, ठीक है, तो अपन निकालेंगे इसको। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, वो अपन देखेंगे वो कितने टाइम तो चला, 2 घंटे चला वो, तो 2 लिख दिया है अभी। अब कितनी स्पीड से चला भाई, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला वो लिख दिया, ब्रैकेट कर दिया बंद, प्लस अब वो बाईसाइकिल पर भी तो चला, बाईसाइकिल पर वो कितने घंटे चला, 4 घंटे चला, 4 लिख दिया। और कितनी स्पीड से चला, 12 की स्पीड से चला, तो 12 लिख दिया, ठीक है। तो ये अपने यहाँ पे खत्म हो गया है इक्वेशन, अपन आज इतना ही काम करेंगे। एक बार आपको ब्रैकेट का बता देती हूँ मैं लास्टली, फर्स्ट क्वेश्चन में, अब मैं क्वेश्चन वापस नहीं पढ़ूंगी ना ये आंसर बताने वाली हूँ, मैंने काफी डिटेल से बताया आपको, एक एक क्वेश्चन डिटेल से बताया है तो वापस नहीं बताऊंगी, पर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ब्रैकेट कहाँ लगाते हैं अपन। ब्रैकेट वहां लगता है जैसे कोई प्लस का या फिर कोलाज वगैरह बनता है ना, जैसे प्लस का बन गया माइनस का बन गया, दो चीजों के बीच में, जैसे यहाँ पे अपन ने 218 और 5643 को ऐड करके ब्रैकेट में बंद कर दिया, या 239 और 119 को सब्ट्रैक्ट करके ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है, और बीच में क्या आ गया, डिवाइड का आ गया। अपन ये ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये सब मिक्स हो जाते हैं, जैसे डिवाइड भी दिख रहा है, प्लस भी दिख रहा है, माइनस भी दिख रहा है, ऐसे तीनों साइन ब्रैकेट के थ्रू अलग अलग हो गए। यहाँ पे क्या हुआ, ये इंटू प्लस इंटू था तो इंटू को कर दिया ब्रैकेट में बंद, इस इंटू को कर दिया ब्रैकेट में बंद, अब ये प्लस बच गया बीच में। अब इसमें क्या हुआ कि ये तो यही है, सेम है, पर इसमें क्या हुआ कि ये 200 भी आ गया और ये माइनस लेके आया, तो इसको ब्रैकेट में बंद करना जरूरी हो गया, नहीं तो ये मिक्स हो जाता इसके साथ, इसलिए इसमें अपन ने मिडिल ब्रैकेट लगा दिया। ये जो स्मॉल ब्रैकेट, ये 4613 और 695 को प्लस करके ब्रैकेट में बंद कर दिया, और ये 247 एक अकेला ही था, इसको किसी से ना तो अपन को प्लस करना था ना माइनस करना था, तो इसमें अपन ने ब्रैकेट का यूज नहीं किया, इसको अकेला ही छोड़ दिया। 443 और 333 को सब्ट्रैक्ट करके ब्रैकेट में बंद किया और 11 से डिवाइड किया, अब इस 11 भी अकेला था, इसको ना किसी से प्लस करना था ना माइनस ना इंटू, तो अपन ने इसको क्या किया, इसको अकेला छोड़ दिया, इसके ब्रैकेट नहीं लगाया। 5 × 19 को ब्रैकेट में बंद कर दिया और प्लस 2 × 36 को ब्रैकेट में बंद कर दिया, बीच में प्लस बच गया, सब अलग अलग हो गए। 2 × 3 को ब्रैकेट में बंद कर दिया, प्लस 4 × 12 को ब्रैकेट में बंद कर दिया, इंटू इंटू अलग हो गए, प्लस अलग हो गया, ठीक है। तो आज अपन ने कौन कौन से क्वेश्चन किए, आज अपन ने फोर्थ क्वेश्चन किया एक, तो ये आपको होमवर्क में करना है फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन किया, फिफ्थ क्वेश्चन के आल सब पार्ट, 7 सब पार्ट्स है, 7 सब पार्ट्स है इस फिफ्थ क्वेश्चन के, 7 सब पार्ट्स अपन ने पूरे किए हैं, और ये आपको क्वेश्चन उतार के आंसर लिखने हैं इनके, ऐसे ठीक ऐसे ही लिखने हैं, ठीक है। और जो अपना पहले वाला क्वेश्चन था उसका इतना सा आंसर है वो भी लिखना है फोर्थ क्वेश्चन का, तो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क करने हैं। और सिक्स क्वेश्चन जो है, राइट दी फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स, रोमन में लिखना इन सबको, तो आप सब ट्राई कर सकते हैं रफ कॉपी में, रफ कॉपी में सब ट्राई कर सकते हैं, अगली बार जब अपन मिलेंगे तो ये जो सिक्स क्वेश्चन है ये करेंगे, पर सबको रफ कॉपी में ट्राई करना है क्वेश्चन की किस किस से हो रहा है और किस किस से नहीं हो रहा, ठीक है, अपन को तो करना ही है फिर बाद में, ठीक है। आज के लिए बाय।